सर, इससे पहले भी मैंने आपसे यही सवाल किया था कि अब जब तालिबान काबिज हो चुके हैं, अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर भी, साथ साथ वो ये यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि किसी शहरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अब इस सारी सूरत हाल को आगे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे, आपका क्या तज़िया है इस पर? देखिए, अब इस वक्त अमलन तालिबान का सारे मुल्क पे कब्जा हो गया है। अब अशरफ गनी साहब के लिए वाहिद रास्ता ये है कि वो इस्तीफ़ा दें और चले जाएं और उनकी काबीना भी इस्तीफ़ा दे, और तालिबान के लिए मौका है कि वो एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत बनाने के लिए काम शुरू करें और आम माफ़ी का भी ऐलान करें, अकलियतों के तहफ़ का भी ऐलान करें। और ऐलान उन्होंने पहले किया हुआ है कि औरतों को पूरी आज़ादी होगी तालीम हासिल करने की और मुलाजिमत करने की, उनको पूरी की पूरी आज़ादी होगी, इस बात को वो दोहराएं। और ये भी अज़म करें कि अफगानिस्तान में अफगाना जंगी का ज़माना ख़त्म हो रहा है और जो दाइश वगैरह की तंजीमें हैं उनसे भी अवाम के ताउन से वो निमटने का इरादा रखते हैं। और ये भी वो ऐलान कर लें कि लोगों को पूरी आज़ादी है अपने अपने काम पर जाने की, कोई तशवीश की बात नहीं है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। जी अमीर अब्बास। जी रुस्तम साहब, आप तकरीबन काबुल के गेट पर पहुंच चुके हैं तालिबान, और वो शायद चाहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो बगैर किसी रेजिस्टेंस के मुजामत के सरेंडर कर दे। और इस वक्त जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ, तो अशरफ गनी जो है वो स्पेशल एनवाय जो है अमेरिका के, उनके साथ मुजाकरात में इस वक्त मसरूफ हैं, चल रही हैं। तो आपको लगता है कि ये सरेंडर कर देना चाहिए अब इनको मजीद किसी खून खराबे से बचने के लिए, या अब कुछ बाकी है रेजिस्ट करने के लिए? कोई रेजिस्टेंस के कोई असरात नहीं है, जो अफगान फौज है उनमें अब वो मोटिवेशन नहीं है, वो इस निज़ाम के लिए अब नहीं लड़ेगी। अशरफ गनी की हुकूमत को बचाने के लिए वो कभी भी नहीं लड़ेंगे, जैसे कि बाकी सारे अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सूबों में अफगान फौज ने हथियार डाल दिए बगैर किसी जंग के। उनकी वजह यही थी कि उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी और वो इस गिरती हुई हुकूमत को सहारा नहीं देना चाहते थे, और वो ये समझते थे कि ये हुकूमत खारिजी बैसाखियों पर खड़ी है तो आवाम का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फौज में अब वो मोटिवेशन नहीं है फाइट करने की। अशरफ गनी साहब को इसका इलम है, इसलिए मुल्क को मजीद तबाही और काबुल को मजीद तबाही से बचाने के लिए उनके लिए यही एक रास्ता है जो उनको पहले करना चाहिए था, लेकिन देरा है दुरुस्त है कि वो इख्तदार छोड़ दें, मुस्ताफी हो जाएं, और उसके बाद तालिबान शहर में दाखिल हो जाएंगे, शहर का कंट्रोल संभाल लेंगे, बल्कि सारे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे। तालिबान भी ये तासुर देना चाहते हैं कि वो काबुल में बगैर किसी मुजाहमत के उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया, ताकि उन पर ये उंगली नहीं उठे कि वो जो है ताकत के जोर से बरसरफ्तार आए हैं। तालिबान के पास इस बात के शवाहद हैं और स्टेटिस्टिक्स हैं और फिगर्स हैं कि कितने शहरों में कितने लोगों ने, कितनी अफगान फौज ने बगैर किसी लड़ाई के अपने आप को उनके हवाले किया, बल्कि न सिर्फ अपने आप को बल्कि उनके साथ साजो सामान था जिनमें टैंक्स भी शामिल थे, बख्तरपन गाड़ियाँ भी शामिल थी और हैवी और स्मॉल वेपन भी शामिल थे, उन सब को तालिबान के सामने उन्होंने डिलीवर किया। तो अब यही रास्ता है कि बस तालिबान वहाँ पे इख्तदार संभालें और फिर वो जो अफगानिस्तान का जो मुश्किल मरहला आने वाला है रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का और अमन कायम करने का और सारे अफगानिस्तान में आम माफी देने का, ताकि ये वाइटल ऐलान कर लें, ताकि लोगों में जो खौफ हरास फैला हुआ है, जो मायूसी है, जो होपलेसनेस है, जो डिस्पॉन्डेंसी है, उसमें कमी हो और लोग नई हुकूमत के साथ या नए निज़ाम के साथ तावन करना शुरू कर दें। अच्छा शाह साहब, वो रिकंस्ट्रक्शन या रिहेबिलिटेशन पे मैं आगे चल के आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन ये बताइएगा कि ये 90 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं अमरीका ने अफगान फोर्स को रेज करने पर, और जो इनका तनासुब है वो 1:3 है, यानी अगर 3 लाख अफगान फौज है तो उनके मद्दे मुकाबल 1 लाख से भी कम तालिबान थे। तो ये इतने कमजोर नंबर की तादाद में इतने कमजोर दुश्मन को और 90 अरब डॉलर खर्च करने की फौज अगर खत्म नहीं कर सकी या उनसे उनके साथ लड़ नहीं सकी 2 महीने तक भी, तो ये फिर स्टेट कैसे सर्वाइव कर सकती है? जो तारीखी गलती अमरीका ने की और जो तारीख से साबित है बहुत मुल्कों ने ऐसी गलतियां की हैं, उन्होंने ये गलती की कि वो ये समझे कि हमने फौज क्रिएट की है और उनको ज़बरदस्त ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दी है, उनको असला दिया है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, वो माहिर हो गए हैं लड़ने में, सिविल वार में भी वो माहिर हो गए हैं, उनकी महारत है, ये चीज़ें तो उन्होंने कर ली। लेकिन वो ये भूल गए कि जिस फौज में कोई मोटिवेशन न हो, जिस फौज में कोई जज्बा न हो, जिस फौज की कोई लीडरशिप न हो, जहाँ पे इतनी जबरदस्त हो रही हो, जिस फौज से तकाजा किया जाता है कि वो गैर मुल्की प्रेजेंस के सहारे पे जो करें, ये लेसन वो भूल गए, ये सबक वो भूल गए। तो जब वक्त आया तो अफगान आर्मी ने अपना किरदार दिखाया कि हम इस हुकूमत को जो कि करप्शन से भरी पड़ी है और जिन जो इस बुनियाद पर खड़ी है कि अमेरिका से असला भी आता है, पैसा भी आता है और पॉलिटिकल सपोर्ट भी आती है, ऐसी हुकूमत को, अफगानों का ये मिजाज है, ऐसी हुकूमत को जो गैर मुल्कियों की बैसाखी पर खड़ी होती है, वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे, कभी उसके सामने उनके लिए झुकेंगे नहीं, कभी उनके लिए कुर्बानी नहीं देंगे। ये सबक अमरीका ने नहीं सीखा और इनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। अच्छा, जिस वक्त अफगान फोर्सेस के खिलाफ और अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ आज से 2 माह पहले पेशकदमी शुरू की थी तालिबान ने, तालिबान उस वक्त बजारन कमजोर हैसियत में थे लेकिन उन्होंने कोई मुफाहमत नहीं की अफगान हुकूमत से। आज तो वो 20 से ज्यादा सूबों पर और खुद दारुल हुकूमत जो मुल्क है उसके ऊपर काबिज होने जा रहे हैं। तो अब तो वो ये कहने में हक बजाने में है कि हमने बजर ताकत अपने आपको मनवाया है और इस मुल्क को हासिल किया है। किसी भी सूरत में किसी और स्टेक होल्डर के साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे कि उनको भी वो पार्टनर बनाए अपने रजीम के अंदर। लेकिन वो ये समझते हैं कि वो अगर मल्टी एथनिक हुकूमत नहीं बनाएंगे तो लोगों में उनकी पजीराई नहीं होगी, इसलिए उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ है कि हम एक मल्टी एथनिक हुकूमत बनाएंगे जिसमें हज़ारे भी शामिल होंगे, ताजिक भी होंगे, उज़्बक भी होंगे, तुर्कमन भी होंगे, बलोच भी होंगे, बरूही भी होंगे, सब होंगे। ये पहले से उन्होंने ऐलान कर दिया है और ये मैं समझता हूँ कि ये एक हकीकत पसंदी है, ये एक प्रैग्मेटिक और बड़ा प्रैक्टिकल वो स्टेप है जो तालिबान ले रहे हैं। आप देखें कि उनका जो बहुत पुराना दुश्मन था इस्माइल खान हेरात का जो वारलॉर्ड था, उनको उन्होंने कब्जा कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उनको छोड़ दिया है ताकि वो काबुल जाएँ और हुकूमत से बात करें कि अब मुजाहमत का वक्त ख़त्म हो गया, अब रेजिस्टेंस का वक्त ख़त्म हो गया, अब आकर सब मिलकर अफगानिस्तान की दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें और हमसे मिल जाएं। तो उनको उन्होंने इस शर्त पर रिहा कर दिया, तो उनसे कोई बदला नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया। तो इसका मकसद ये है कि वो अब ज़्यादा वो प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं और ये अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है और ये उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जो अभी तक ये कहते रहे कि अगर ताकत के जोर से कब्जा हुआ तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। अब देखें कि अफगानिस्तान में जो काबुल सबसे बड़ा शहर है, 45 लाख की आबादी है, उनके दरवाजों पर वो खड़े हैं लेकिन अपने जो रिक्रूट्स हैं, अपने जो वॉलंटियर्स हैं, उनको रोके रखा है कि आप अंदर न जाएं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब हुकूमत सरेंडर होगी या अफगान आर्मी सरेंडर होगी या अफसर अफगानी साहब इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे तो फिर हम आपको हुक्म देंगे अंदर दाखिल।